आपने हमारा चंदन का हार चुराया है। क्या कह रही हैं आप? कल घर पे थी ना? जी। तो हमारे कमरे में भी जरूर गई होंगी। मैं आपके बुलाए बगैर आपके कमरे में नहीं जाती। देखिए, हमें यकीन है कि आपने हमारा चंदन का हार चुराया है, इसलिए शराफत से वापस कर दीजिए, वरना हम आपका वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने कोई हार नहीं चुराया। नहीं चुराया ना? नहीं। तो फिर चलिए अपने कमरे की तलाशी दीजिए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? आपकी ये चहेती दुल्हन ने ना हमारा खानदानी चंदन का हार चुरा लिया। ये झूठ है। कहाँ रखा था आपने? कल रात हमने बेगम जाफरी के बेटे के वलीमे पे पहनने के लिए निकाला था। अबीरा ने कहा कि बहुत भारी है तो हमने नहीं पहना और उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। हाँ तो ठीक है, वहीं जाके देखो। नहीं है वहाँ पे, हमें पता है रहमान ने ही चुराया है। अबीरा बेटा, आपके सामने हमने ड्रेसिंग पे रखा था ना हार। बस गवाही मिल गई ना आपको, अब आप चल के देखिए कमरे में, हम आपको बता रहे आपको वहीं मिलेगा। रहमा, रहमा क्या हुआ? रहमा आंखें खोलो। रहमा गाड़ी निकालो। रहमा इधर आओ, उठो चलो। पता नहीं मम्मा आपको क्या हो गया, बार बार हर कदम पर रायमा से हार रही हैं आप, और ये आपकी फजूल हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाबा के दिल से भी उतर रही हैं। हाँ सही कह रही हूँ, उतर चुकी हैं आप बाबा के दिल से। हम उनके दिल में थे ही कब। आप रायमा से नहीं जीत सकती, पता है ना आपको। नहीं बेटा, हम जीतेंगे भी और दोबारा राज भी करेंगे। खैर राज तो अभी भी आपका ही है मम्मा, वो तो एक कमरे तक ही महदूद है। साथ की ज़बान बोल रही हैं आप? मामा आई एम वार्निंग यू, आप अपनी इन फजूल चालों से रायमा को नीचा दिखाना छोड़ दें, वरना कहीं की नहीं रहेंगी आप और आपके साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। वाह बेटा, आपको अपनी परवाह है और हम जो यहाँ बर्बाद हो गए उसकी परवाह नहीं है आपको। है तो बोल रही हूँ ना, वरना क्यों कहती? जब वो सब कुछ समेट के ले जाएगी ना बेटा, तब समझ में आएगी आपको। खैर अब उसकी इतनी भी जरूरत नहीं है कि सब कुछ ले जाए, और बाबा भी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ उसके हवाले कर दें ऐसे ही। आप यही सोचती रहिए, उसने आपके पापा को किस तरह से पागल बना के रखा है कैसे बताएं हम आपको। खैर अब ऐसा भी नहीं है मम्मा, हमारा भी तो ख्याल रखते हैं। नहीं क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मम्मा। अगर रायमा को कुछ हो गया तो बाबा ड्रामा कर रही है। वो लड़की एक नंबर की ड्रामेबाज है, जानबूझ के खामोखामे बेहोश हो गई। अभी देखिएगा किस तरह ठीक ठाक चलती हुई आ जाएगी। आपके बाबा को तो दीवारा बना के रखा है उन्होंने, हम तो इस तरह कभी बात पे बेहोश नहीं हुए। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, इनके यही ड्रामे बसियां हैं। साथ कभी फोन ऑफ जा रहा है, कब से कॉल्स कर रही हूं। क्यों सुनेंगे वो आपका फोन बेटा? उस लड़की ने दो दो मर्दों को दीवाना बना के रखा हुआ है। हाँ मीरा बोलो। फोन ऑफ जा रहा था, रायमा ठीक है? पता नहीं। क्या मतलब है? और बाबा? चाचा जान और मैं बाहर हैं, रायमा के कमरे में। अच्छा, बाबा का मूड ठीक है? Obviously वो परेशान है। खैर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय।
थक जाएंगे, आप बैठ जाएं। क्या बैठ जाओ, हर वक्त ऐसे झूठे इल्जाम लगाती रहती हैं रहमा पे। क्या कह सकता हूँ चाचा जान, तुम यकीन करो, मतलब मैं शर्मिंदगी के दलदल में उतर जाता हूँ रहमा के सामने। क्या कह सकता हूँ, मतलब तुम्हें लगता है कि रहमा ये चंदन का हार चुराएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कितने सोने के सेट चढ़ाए मैंने शादी में उसको। जानता हूँ कि बेगम सरकार ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर रहमा को कुछ हुआ ना, एक सेकंड में मैं फरकंदा को छोड़ दूंगा। अरे पढ़, आपकी मिसेस आप आइंदा ख्याल रखिएगा वरना बेबी की जान को खतरा है। आप जा सकते हैं।